बहुत ही जल्द आप सभी की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है और आप कुछ ही दिनों में अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। ऐसे में हर बोर्ड अपनी तैयारियों को अब लेकर के अंतिम चरण में है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड हैं, वह अपनी परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट है इस बार और उनका पूरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि अपनी परीक्षा को बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और नकल के बिना एग्जाम को कराया जाए। ऐसे में आपके यूपी बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने, बहुत सारे बोर्ड्स ने अपनी अपनी वेबसाइट्स पर कुछ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक परीक्षार्थी के लिए जारी किए हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए आप पूरे एक साल कड़ी मेहनत करते हैं और आप सभी चाहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को दें और इधर उधर की चीजों में न पढ़ते हुए सिर्फ अपने पेपर को पूरे मन के साथ आप अपने पेपर को दें और बेहतर से बेहतर अंक हासिल करें। ऐसे में यूपी बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश अपने परीक्षार्थियों के लिए जारी किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। मैं आपको एक एक निर्देश बताने वाला हूं कि किन बातों का ध्यान आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में रखना है, कौन सी गलतियां आपको अपनी परीक्षा हॉल में बैठने से पहले नहीं करनी है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को सरलतापूर्वक कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे अंक लेकर आए। सबसे पहले जान लें कि बोर्ड एग्जाम में इस बार यूपी बोर्ड ने कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी है जिनका ध्यान आपको रखना है। उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप परीक्षा में कोई भी गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक वॉच लेकर के नहीं जा सकेंगे। इसमें अगर आप ले जाते हैं तो आपकी वह चीजें जब्त कर ली जाएंगी और आपको हो सकता हो परीक्षा देने से भी रोक दिया जाए। जब एग्जामिनर आपके पास ये चीजें पाएगा तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के परीक्षा के हॉल में नहीं जाना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि इस बार यूपी बोर्ड ने अपने परीक्षार्थियों से यह कहा है कि आप अपने कॉपी के हर पेज पर अपने कॉपी का नंबर और रोल नंबर आपको लिखना होगा और यह चीज कंपलसरी है। ये आपको कॉपी के हर पेज पर अपने अनुक्रमांक को, अपने रोल नंबर को और अपने कॉपी के नंबर को जरूर मेंशन करना होगा। ये चीजें इसलिए की गई हैं कि आपकी कॉपी में इस बार बारकोड होगा और उसी बारकोड से आप पहचाने जाओगे। आपकी कॉपी उसी तरीके से स्कैन करके यहाँ पर आपकी कॉपी को जांचा जाएगा कि हाँ ये आपकी ही कॉपी है और सभी को एक यूनिक आईडी वाली कॉपी मिलने वाली है, जिससे कि आपकी सारी डिटेल्स पूरी तरह से स्क्रीन पर फ्लैश करेंगी और आपकी कॉपी इसी तरीके से इस बार चेक की जाएगी, जिससे कि अगर कोई गलत तरीके से किसी ने परीक्षा दी है तो उसकी एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए, उसके रिजल्ट को रोका जा सके। ये बहुत ही बेहतरीन चीज यूपी बोर्ड ने अपने एग्जाम को नकल विहीन कराने के लिए की है। अगली बात का ध्यान रखना है जो ये है कि कक्ष निरीक्षक जो होंगे वो किसी भी महिला अभ्यर्थी की, जो पुरुष कक्ष निरीक्षक होंगे वह किसी भी महिला अभ्यर्थी की तलाशी नहीं लेंगे। अगर महिलाओं की चेकिंग की जाएगी, लड़कियों की चेकिंग की जाएगी तो उनकी जांच पड़ताल महिला निरीक्षक ही करेगी, पुरुष निरीक्षक आपकी जांच बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किया है। और बात करें आपकी नकल को रोकने के लिए, तो बोर्ड ने अभी कहा है कि आपकी कॉपी को रैंडम तरीके से चेक किया जाएगा। इसका मतलब कि परीक्षा के बाद आपकी कॉपी को रैंडमली देखा जाएगा, रैंडमली आपको चेक किया जाएगा कि कहीं कोई गलती, कोई भी ऐसी फाउल प्रैक्टिस आपने एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं की है जो कि गलत हो। इसलिए इस बार यूपी बोर्ड पूरी तरह से तैयार है और हर बोर्ड अपनी अपनी परीक्षा को लेकर के अब अंतिम चरण में है। इन बातों का आपको अपने परीक्षा के हॉल में ध्यान रखना है। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश समझाने में सफल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आपने पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।